ओके सो इनके पास ये क्रीमी पाइनएप्पल सैलड है एंड ये स्मोक्ड कॉलीफ्लावर है लाइक खुश हो जाएगी घर आके कहते हैं ये ले इसको पहन ले वो आदमी जो अपनी कलाई में बांध के रखता है ऑलरेडी प्यारी होने कोठे ले जाते हैं बाबा क्यों फिर मर जाओगे ना फिर जाके मैं दोस्तों तो आज हमारा डे 3 है केरला में और हमने आज हमारी जगह चेंज की है. इस प्लेस का नाम है टिकरी. टिकरी अगर मेरे हस्बैंड की भाषा में बोल रहे थे और ठीकरी इस टिकरी स्वामी. ओके सो इसमें हमने ना चेक इन कर लिया. बहुत ही प्यारा एंड नाइस एंड क्लीन रूम है. मुझे लग रहा है कि ये जो होटल है थोड़ा ब्रांड न्यू है. गेमिंग सेंटर भी है, स्विमिंग पूल भी है क्योंकि पुराने में नहीं था ये कुछ भी. एक ही दिन के लिए रहना है हमें यहाँ पे. कल हम कहीं और जा रहे हैं. कल हमें अर्ली एलपी के लिए जाना. एलपी है ना वो. पर यहाँ हम ना यहाँ पे थोड़ी दो चीज़ें करेंगे. एलिफेंट राइड और एलिफेंट बार वो करेंगे. एंड एक हमें यहाँ पे कल्चरल शो होता है केरला का वो देखना है हमें. और कुछ नहीं करना. जीप सफारी वो सब चीज़ें वापस आ जाएंगे. इस होटल का मज़ा लेंगे. स्विमिंग पूल में चले जाएंगे एंड देन जल्दी सो जाएंगे क्योंकि कल हमें 6 बजे निकलना है. कल वाला जो सफ़र है वो अराउंड 4-5 घंटे का होने वाला है बहुत ज़्यादा. सो आज हमारा सफ़र मज़ेदार निकला एंड लकीली कोई उल्टी उल्टी नहीं हुई. और बहुत सारे लोग मिलते हैं रस्ते में ना उल्टियाँ कर रहे होते हैं क्योंकि ये ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता है माउंटेन्स के आले दुआले. एंड मुझे वैसे मोशन सिकनेस है नहीं पर लोगों को देख देख के हो भी जाता है जब आप खा के आए. पर आज ब्रेकफास्ट समय पे मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं खाई. मेरा मन नहीं कर रहा था खाने के लिए. मैंने सिर्फ चाय पी, एक दो बाइट इडली की खाई. लॉटरी बड़ी चलती है एवरीडे. या एवरीडे लॉटरी चलती है गाइस. एवरीडे प्राइस निकलता है 80 लाख का. सो गाइस दिस इज अ 4-star होटल एंड माय मॉम जस्ट सेड इट वाज अ 1-star बट इट्स एक्चुअली 4-star. इट लुक्स अमेजिंग. लेट्स गो सी इट इनसाइड एंड होप आवर रूम इज गुड. सबने चेक इन कर लिया है. वॉशरूम और क्यूट बेड. अच्छा नाइस क्लीन है ये होता है और इसका व्यू बहुत अच्छा है. बालकनी भी है हमारे पास एंड डैडी हिम्मत बड़ा अच्छा सनी दिन भी है. यहाँ पे रेस्टोरेंट है एक 3rd floor पे, रूफ टॉप है उसका नाम शायद. वहाँ पे जाते हैं, थोड़ा स्नैक खाते हैं या चाय वाय पीते हैं. एंड सो फार यही प्लान है. एंड समय हुआ है 12:30 और हमें दर्शन के लिए निकलना है 2:30 बजे. जो हमने चीज़ें देखनी है क्योंकि जो कल्चरल डांस है वो शायद 5 बजे शुरू होता है. सो 2:30 बजे जाएंगे. 2 घंटे हैं हमारे पास तो यही करेंगे. एंड मुझे ये रूम काफ़ी ज़्यादा प्यारा एंड क्यूट लगा विद द व्यू. सो गाइस ये है रूफ टॉप रेस्टोरेंट. यहाँ से ऐसा व्यू दिख रहा है, काफ़ी खूबसूरत है ना. और ये जो पहाड़ है ना इनके अंदर अंदर कोकोनट की ट्रीज बेचारी. एम आई पी एग मसाला आई थिंक.
गाइस एक इंसिडेंट हो गया है, एग कड़ी खिलर भी है। इंसिडेंट 3 अल्लाह भी देखना है एग कड़ी पर दूर रहो। इंसिडेंट मम्मा आई न्यू इट वाज एग मसाला। It was oh my god, that's so sad. Somebody made it with so much love, effort. It smells so good by the way. So आज के आउटफिट के लिए पहना है मैंने ये बहुत ही प्यारा सा सूट विद पजामा एंड इसकी चुन्नी भी है। सो अगर हमने केरला की चीज़ों की या सुविनियर्स की कोई शॉपिंग करनी है वो मोस्ट प्रॉब्ली हम कोची में करेंगे। वैसे मैंने कल दो बहुत ही प्यारे से झुमके खरीदे मेरे लिए एंड अच्छे प्राइस पे मिल गए एंड मुझे लग रहा है हमारा सामान आ गया। मिमी लॉक ही बड़े ला दंदा यार लुटन लग गए दोस्तों। तो ये इस होटल का बहुत ही अच्छा सा टेरेस है। हम यहाँ पे बैठने के लिए आए थे कि धूप में थोड़ा मज़ा लेते हैं पर यहाँ पे लिए पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी है एंड जो यहाँ पे रेस्टोरेंट है वो बफे ही सर्व करता है लंच में, अलग आरते नहीं करता है। तो हमें बाहर जाना पड़ेगा कुछ खाने के लिए क्योंकि हम खाना चाहते हैं लाइक स्नैक एंड चाय, ज़्यादा भूख नहीं है हमें। डिनर के लिए हम देखेंगे कि क्या खाना है। पहले प्लान था कि 2:30 बजे शुरू करेंगे हमारा अगला काम पर अब हमें भूख लगी है तो बाहर जा रहे हैं पहले, फिर वो सारा घूम फिर के वापस आएंगे। एंड ये बहुत ही अच्छा है वैसे। यहाँ पे पूल भी है पर पूल थोड़ा ठंडा है क्योंकि आउटडोर है तो थोड़ा ठंडा हो जाता है। मैं आपको ना ये ट्री दिखाती हूँ। सो यहाँ पे ये लंबे लंबे ट्री है राइट, और जितने भी पैरों में ये आपको बूटे दिख रहे हैं ना ये सारे इलायची है। ये इलायची पैरों में लगती है इसकी जड़ों के पास, तो कहीं पे भी इन्होंने लैंड को वेस्ट नहीं किया। जहाँ पे भी लैंड है इतनी अच्छी मिट्टी है यहाँ की कि जहाँ पे भी आप कुछ लगाते हैं ना तो मज़ेदार खेती होती है यहाँ पे। तो इन्होंने हर तरफ इलायची, काली मिर्ची और ऐसी चीज़ें लगाई हैं एंड ऑल्सो हर्बल दवाइयों वाले पौधे भी। It's time to have pakoras in this place. ओके सो ये एक हर्ब गार्डन है। यहाँ पे ना ये सारी चीज़ें सेल करते हैं, आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स एंड मसाले, और मसाले किसी किस्म किस्म के हैं, इलायचियाँ। और ये जो क्लोव है इतना मज़ेदार है ना, इसमें जब आप इसको चबा के देखते हैं ना तो इसमें ऑयल निकलता है। सो हमने कुछ गिफ्ट पैक लिए हैं कुछ हमने मसाले लिए हैं गिफ्ट एंड एक मैंने इलायची ली है मेरे साथ लेके जाने के लिए। ऐसे गिफ्ट पैक है इनके पास, इसमें सारे मसाले हैं। बे लीफ है, अच्छा है राइट, आई थिंक 350 ईच है। लुक एट दिस जैफल, चलो ओके। सो लंच के लिए हम खाने वाले हैं इनके ना ये चना मसाला कटला करी बोलते हैं, बहुत डिलीशियस है। इसके साथ आप खाते हैं पराठा एंड ये बिरयानी है इनकी, खिचड़ी काइंड की। और इनकी ये फ़िश बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ये लोकल ही कॉट है। एंड हस्बैंड कितना दिया मच्छी वदिया एंड हिम्मत को भी इनका फूड बहुत अच्छा लग रहा है। हिम्मत व्हाट इज ओके, सो हस्बैंड ने कहा है कि हाथी का चक्कर लगाना है पर मेनू लगाने के लिए मन नहीं है क्योंकि हम ओए ओथे बैग बना कि मैं एनिमल क्रूएल्टी मेनू पसंद नहीं है। पर पति कहे कोई गल नहीं, जा क्या हुई, उड़ पड़ो उड़ पड़ो। Are you guys ready? No problem.
सरिया तेरा इश्क है पिया रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं दिन बीते सारा तेरी फिक्र में रैन सारी तेरी खैर मनाऊं ओके दोस्तों, तो ये केले के खेत आ रहे हैं आपको अगर गाइस हम लोग ना हनीमून मनाने के लिए आए हैं ऐसे लग रहा है अल्लाह साहब देखे ओके दोस्तों, तो हमने हाथी की राइड कर ली है, अच्छी मज़ेदार थी। एंड जो जिस हाथी पे हमने राइड किया वो बेचारी वो लेडी थी एंड 35 इयर्स ओल्ड एंड उसका नाम था लथा एंड शी वाज क्यूट। आपको कैसी लगी वो वीडियो? मैंने ना पहली बार हाथी पे राइड किया, वैसे मैं इसके हक में नहीं हूँ, मुझे लग रहा है कि उनसे एक्स्ट्रा काम करवाते हैं ये, पर इसने कहा हम इतना काम नहीं कराते, हम इसे सोने देते हैं हर 10 घंटे। अननेचुरल जबरदस्ती काम करवाते हैं, राइट? ओके, सो अब हम यहाँ पे चाय की ब्रेक लेने वाले हैं। हमारे पास मिला था 35 मिनट्स है अराउंड, उसके बाद 5 से 6 एक शो होता है यहाँ पे, यहाँ के क्लासिकल डांस का, मुझे लगता है उसे कथक बोलते हैं, जहाँ पे वो ग्रीन सा चेहरा करके डांस करते ना ऐसे ऐसे, वो वैसा मैं मेरे पति को घर पे करके दिखाती हूँ कई बार। आज पहली बार ओरिजिनल देखेंगे हम, 5 से 6 होगा, उसके बाद हम घर रूम में जाके आराम करेंगे, अगर खाना होगा तो वहीं पे रेस्टोरेंट में कुछ खा लेंगे डिनर के लिए एंड सो जाएंगे, क्योंकि कल हमें अर्ली हमारा सफ़र शुरू करना है LAP के लिए। सो फार दिस इज़ द न्यूज़। अब चाय को टेस्ट करते हैं कि चाय कैसी है। नहीं, टिकट पे नंबर होता है? नंबर है, कंटिन्यू कर लेंगे। नंबर्स, कम ऑन, आई एम डन विद नंबर्स। ओ इतने रेडी हो जाओ, एको भाई कथकली है एक घंटे रहंदा। From Kerala. This album was originated in the first half of 17th century, 400 years back. Sringara means love or romance. Sringara.
जाल में फंसाने का। I want to play for girls. सर कल आपका हाउसबोट में फूड में नॉन वेज बोला है ना? हाँ। तीन नॉन वेज फिश, हाँ फिश और चिकन। हाँ वो नॉन वेज बोले तो दोनों आएगा, लंच टाइम के लिए फिश फ्राई आएगा, रात में चिकन करी आएगा। राइस और सांभर और डोसा। Those stars so in love, kissing in the rain. My apologies, hallucinating. Why didn't you upload those? They're gonna upload those. A coupe, a taxi. Show them around. Okay, now stop. Stop now. Stop the video. Man, we are going to kill you. Turn. Now stop. And. Oh my God, no! Not quick. Not quick again. No important thing to kill. अगर दोस्तों तो रूम में पहुंच चुके हैं, संतरे खाने लगे हैं ना। संतरे ना। Somebody knocking on your door. Not on our door. ऑलराइट दोस्तों, तो हम लोग हमारे रूम में पहुंच चुके हैं वापस। आपने देखा संतरा खा लिया मैंने, हस्बैंड अभी रिलैक्स कर रहे हैं, उठे बाहर तितली बन गए अगेन और कह रहे कोई मूवी देखते हैं, तो वो मूवी देखने वाले हैं बाजीगर क्योंकि वो उनकी फेवरेट मूवी है। मूवी में क्या होने वाला है वो सारी स्टोरी मैंने मेरे हस्बैंड को बता दी, क्योंकि ये बहुत बड़े भुलक्कड़ हैं और चीज़ें बहुत जल्दी भूल जाते हैं। एंड गाइस, मैं बहुत ही प्यारी चीज़ लेके आई हूँ आज। मैं अपने पति को अपने प्यार के जाल में फंसा लूंगी। ओके दोस्तों, मैंने देखा है कि जो भी हस्बैंड ना जॉब से जब घर आते हैं तो वो एक आंटी से पकड़ते ही है, कह रहे आज मेरी पत्नी खुश हो जाएगी, तो घर आके कहते हैं ये ले इसको पहन ले। वो आदमी जो अपनी कलाई में बांध के रखता है कोठे ले जाते हैं कोठे से पता डाल देना मेरी। ओके सो फिर मेरे हस्बैंड ने तो मुझे ला के दिया नहीं, मैंने खुद ले आई हूँ। अब मैं अपने पति को अपने प्रेम की जाल में फंसाऊंगी और मुझे समझ भी नहीं आ रहा कैसे लगाऊं। एड्डा मेरा एड्डा है जिसे तो डांस हो गए। गाइस, मैं अपने हस्बैंड को ना इतना कई बार वो करानी अपनी जाल जब फंसानी और आज आपके साथ ही शेयर। ओए उल्टी नहीं लगती मेरे को, उल्टी तो करूंगी। ओ नो नो नो, मैं पक्का सीरियस की करना को नोट मांगो सिद्धि। ओ इधर कर दे चल ना। ओ कैंडी रोमांस इधर करेगा, एक अपने स्वामी को देखना इधर जाना तू मेरे रूम में इधर करना। बाबू क्यों तू मजो गया था इधर आगे मैं करना फिर मैं कथा कर। वो
ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਡਾਂਸ ਇੱਦੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਹੁਣ ਪਰ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਥਕਲੀ ਔਰ ਮੈਨੇ ਹਰੇਕ ਨੇ ਕਥਕ ਸੰਗੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ अगर स्वामी बातों में नहीं आए तो ऐसे करते हैं। ओके दोस्तों, तो यही था मेरा और इसको हस्बैंड ने बाला जला ली। बाबा साउथ इंडियन लगनी या साउथ इंडियन एंड लखनऊ द मिक्स लगनी? मिक्स लगनी। साउथ इंडियन लखनऊ एंड पंजाब। पंजाब मेरे जो दिखने के तो नहीं दिखने। तो साउथ इंडिया एंड लखनऊ का मिक्स लग रही हूँ। और दोस्तों अगर हम खाने के लिए जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी, अदरवाइज इस व्लॉग को ये पे फिनिश करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। सो मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग अगर केरला नहीं आए हैं तो ज़रूर से आएँ, बहुत ही प्यारा है, लोग बहुत अच्छे हैं, खाना बड़ा स्वादिष्ट है। अब मेरे पति की तो रूह का खाना लग रहा है मुझे, जैसे वो साग को खा के खुश होते हैं ना वैसे वो पराठे को खा के भी खुश होते हैं और इडली को भी, सांभर डोसा एंड सब कुछ। तो ज़रूर से आना, बहुत मज़ा आ रही है। ओके सो ये रूफ टॉप रेस्टोरेंट है, अभी व्यू नहीं दिख रहा है पर बहुत अच्छी ब्रीज है, ठंडी एंड एक्चुअली सूदिंग, चांद देख लीजिए। तो हमने डिसाइड कर लिया कि बफे ही खा लेते हैं हम लोग। एक टमाटो अनियन धनिया एक चिकन एग का, दोनों एक एक। ओके सो इनके पास ये क्रीमी पाइनएप्पल सैलड है एंड ये स्मोक्ड कॉलीफ्लावर है, लाइक कॉलीफ्लावर 65 जैसा। मैंने एक चिकन सूप लिया है एंड एक टमेटो एंड हिम्मत मिली खाएगा सीधा। सब्जियां का फ्लेवर डिफरेंट पता ही नहीं चल रहा। ओके दोस्तों तो ये है भिंडी बैंगन मसाला, ये भी सेम लग रहा है, मटर पनीर भी सेम लग रहा है एंड जो फिश की करी है वो भी सेम सी करी है। दाल है इसमें कैप्सिकम है एंड लेमन एंड वेज पुलाव लिया है, लेमन राइस एंड वेज पुलाव। थोड़ा सैलड एंड ये चपाती है मेरे पास। मैं आपको मिलती हूँ कल नए ब्लॉग में। कल हम बोट में रहने वाले हैं पूरी रात, वो भी बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस होने वाला है, वो ज़रूर से देखें। इसके बाद वही व्लॉग आएगा और साथ चढ़ गया कथकली करते करते। मैंने मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, सारे ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।